नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओजांग टाइम्स में। 21 दिसंबर को सरकार ने YouTube से विभिन्न लोक कल्याणकारी पहलों के बारे में झूठे दावे करने और फर्जी खबर फैलाने के लिए 3 चैनलों पर रोक लगाने के लिए कहा है। एक आधिकारिक सूत्र ने 21 दिसंबर को कहा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने YouTube के 3 चैनल आज तक लाइव, न्यूज हेडलाइन और सरकारी अपडेट्स को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, ये चैनल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट, भारत के प्रधान न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं और अन्य चीजों के बारे में फर्जी खबर फैला रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट बताया कि आज तक लाइव चैनल इंडिया टुडे ग्रुप से संबंधित नहीं है। एक आधिकारिक बयान में 20 दिसंबर को कहा गया था कि ये चैनल दर्शकों को गुमराह करने के लिए समाचार चैनलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि ये यकीन दिलाया जाए कि उनके द्वारा साझा की गई खबरें प्रमाणिक हैं। उन्होंने कहा था, ये चैनल अपने वीडियोस में विज्ञापन दिखाते हैं और YouTube पर भ्रामक सूचनाओं से वित्तीय लाभ हासिल भी कर पाते हैं। इन YouTube चैनल्स के लगभग 33 लाख सब्सक्राइबर हैं और जिनके वीडियोस को 30 करोड़ से अधिक बार देखा भी गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए ओजांग टाइम्स।